हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैचलर इन फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी कोर्स कोड बी पी फोर जीरो फोर टी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं यानी ये काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी मैं आपके सामने मार्क करूंगा इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा उनके आंसर्स आपको नहीं बताऊंगा लेकिन इसके लिए आप जो भी किताब से पढ़ रहे हैं या जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ से आप इनके आंसर्स ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करके जाते हैं एग्जाम से पहले तो आपका पेपर अच्छा होगा ऐसी मेरी आशा है मैं हूं डॉक्टर बजनंद्र शुक्ला चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी पी के यूनिट नंबर वन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि टू मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं ये uh, कई बार सात नंबर में भी पूछे जा सकते हैं एज पर मार्किंग आपको आंसर करना होगा इसमें सबसे पहला प्रश्न है डिफाइन ट्रैकिफाइलेक्सिस विथ एग्जाम्पल ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई यूनिवर्सिटीज में दो तीन बार पूछा गया है और इसको आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ करके जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट देखिए ऐसा है कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि फार्माकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी पड़ती हैं और इन पर प्रश्न पूछे जाना बहुत ही ऑब्वियस था यानी बहुत बार इन पर प्रश्न पूछा गया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता है तो फार्माकोलॉजी पढ़ने में भी आपको आसानी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू मीन बाई प्लेटू प्रिंसिपल इन फार्माको फार्मेको कैनेटिक्स फार्मेको कैनेटिक्स में प्लेटू प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है ये भी कई बार पूछा गया है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एडवाटेजेज एंड डिसडवाटेजेज ऑफ औरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन औरल रूट पेरेंटल रूट के क्या एडवांटेजेज हैं क्या डिसएडवांटेज है? ये पेरेंटल रूट भी एक दो बार पूछा बट औरल रूट ज़्यादा बार पूछा गया इसलिए मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ बट जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन सभी के एडवांटेजेज और डिसएडवाटेजेस आपको जरूर देख लेना चाहिए और ये बहुत बार पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड ड्रग टॉलरेंस एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल ड्रग टॉलरेंस क्या है उसको एक्स एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया एक बेसिक सा प्रश्न बनता है इस यूनिट से और बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट इज वॉट इज एंजाइम इन्हीबिशन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इनहिबिशन एंजाइम इनिबिशन क्या है और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रॉस टॉलरेंस विथ एग्जाम्पल ये भी ये प्रश्न भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया प्रश्न है इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला है हमारा डिफाइन प्रोडक्ट गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है जनरली um, जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में बहुत बार पूछा जाता है बट फार्माकोलॉजी में भी ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है अब चलते हैं यूनिट नंबर वन के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसमें सात नंबर और दस नंबर मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एलोबरेट डिस एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ द ओरल रूट औरल रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो नंबर में पूछा है तो शॉर्ट में लिखना है यहाँ पर थोड़ा एलोबरेट करके लिखना होगा और जो आपके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रूट्स हैं जो पेनटल रूट है ओरल रूट है वो सारे के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और किसी के और के बारे में भी एडवांटेज और डिसएडवाटेज पूछा जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट uh, प्रश्न है इस यूनिट uh, से और बहुत बार जो है ये पूछा गया नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फेज़ वन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग विथ एग्जाम्पल्स फेज़ वन बायोट्रांसफॉर्मेशन भी जो है वो कई बार पूछा गया है इसीलिए जो है ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला हमारा एलिस्ट्रेट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके सभी के बारे में आपको बताना है दस नंबर में अगर आ रहा है तो सबको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम्पल के साथ सात नंबर में आ रहा है तो दो दो तीन तीन लाइन आपको लिखनी है उसको इसको एग्जाम्पल के साथ सारे का एक क्लासिफिकेशन भी देना है और ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है नेक्स्ट इज व्हाट इज बायो ट्रांसफॉमेशन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन वाइडिंग ये प्रश्न तो ऐसा है कि इस यूनिट से पूछा जाना बनता ही बनता है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए है अगला हमारा वर्ड डू यू मीन बाय एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें अगला हमारा गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इस पर भी कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं आगे बढ़ते हैं अब यूनिट नंबर टू की तरफ यूनिट नंबर टू के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि टू मार्क्स में पूछे जाते हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है मेंशन द फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर रिसेप्टर्स के क्या क्या काम हैं ये कई बार पूछा गया है रिसेप्टर के नाम से भी पूछा जा सकता है तो इसको आप अच्छे से तैयार करें अगला हमारा डिफ्रेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स इवेंट पे अलग अलग भी प्रश्न पूछा गया है इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछा गया है और कई बार पूछा गया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एस टी ए इन जैक स्टेट सिग्नलिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और दो तीन बार ये पूछा गया है और इसको आप अच्छे से क्या करें तैयार करें ये सात नंबर में भी पूछा सकता है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करना पड़ सकता है नेक्स्ट इज वाट इज़ फेज़ जीरो क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ जीरो क्लिनिकल ट्रायल क्या है ये भी एक दो बार पूछा गया प्रश्न है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है वट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ये तो ऐसा एक प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा गया है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स का तो इसको आप अच्छे से तैयार करें अगला हमारा डिफाइन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप वाट आर इट्स एडवांटेजेस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं ये भी कई बार पूछा गया और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है अगला बारा डिफाइन प्लाज्मा हाफ़ लाइफ मैंसन इट्स सिग्निफिकेंट प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो एक बेसिक से टेक्नोलॉजी है और ये बहुत बार पूछी गई है तो ये आप अच्छे से इसको जरूर देख करके जाए क्योंकि ये फिर से पूछा जा सकता है नेक्स्ट इज एलोबरेट थेरेपेटिक इंडेक्स एंड सीनरम सिनर्जिम जो है सिनरजिम या फिर जो है थेरापेटिक इंडेक्स ये भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन हैं और कई बार जो है पूछे गए हैं, हैं इसलिए आप इनको भी अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में जाएंगे आगे बढ़ते हैं यूनिट टू के लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सात और दस नंबर में पूछे जाते हैं पहला प्रश्न हमारा एक्सप्लेन वेदियस ड्रग रिसेप्टर सिग्नल ट्रांज्यूज मैकनिज्म ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें कई बार इसमें अलग अलग पार्ट में जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ वो भी पूछा जा सकता है तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप अच्छे से तैयार करें नेक्स्ट इज वॉट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन डिस्कस इन डिटेल जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर्स तो इसको आप अच्छे से तैयार करें ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया और ये दो नंबर में भी जैसे मैंने कहा ये सात नंबर में भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट इज डिफाइन रिसेप्टर क्लासिफाइड रिसेप्टर्स एंड डिस्कस अबाउट सिग्नल ट्रांजेक्शन मैकनिजम ऑफ ट्रांसमेंब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स देखिये ये प्रश्न तीसरी बार मतलब ये रिपीट हो रहा है बट ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को फिर से पूछे जाने की संभावना और ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर या जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक डिसेप्टर्स पर तो इस तरीके से प्रश्न आप अच्छे से तैयार करें नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द थ्री मेजर इफेक्टर पाथवेज थ्रू विच जी प्रोटीन कपल रिसेप्ट फंक्शन ये इसी का अगर ये दोनों एक साथ पूछा गया तो दस नंबर में आ सकता है और इसी का मैकनिज्म है तो इसको आप अलग से तैयार करते हैं और ये भी कई बार पूछा गया है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन ड्रग एक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं उनके बारे में आपको बताना है और ये कई बार पूछा गया है नेक्स्ट इज राइट और नोट ऑन कम्बाइंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग कम्बाइंड इफेक्ट क्या क्या है कि वो बढ़ा रही है कि घट रही है दोनों तरीके के और ये नाम से भी पूछे जाते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री क्लिनिकल इवैलुएशन डिस्कस वेरियस क्लिनिकल ट्रायल फेजेस और ये प्रश्न तो बड़ा ही ऑब्वियस प्रश्न है इस यूनिट से और बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे नेक्स्ट इज यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर थ्री में पहले हम दो नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पहला इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाइड न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये तो एक बेसिक सा प्रश्न बनता है इस यूनिट से और बहुत बार पूछा गया है अगला है वट इज को ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर्स के क्रोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिशन क्या है ये भी एक दो बार पूछा गया है और uh, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस यूनिट से क्योंकि इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट इज व्हाट इज मैकनिज ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स लोकल एनेस्थेटिक्स के मैकनिज ऑफ एक्शन को हमने देखा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर फार्माकोलॉजी में भी कई बार पूछा गया है तो ये आप अच्छे से तैयार करें नेक्स्ट इज वाट इज वोसो मोटर रिवर्सल ऑफ डेल ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है वट डू यू मीन बाई को ट्रांसमिशन ये ऊपर ही हमने जैसे कहा तो ये उसी से रिलेटेड प्रश्न बनता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है प्रश्न पूछने के तरीके बदल सकते हैं इसीलिए एग्जाम्पल्स में आपको दिया है नेक्स्ट इज लिस्ट द ड्रग यूज इन ओपन एंगल ग्लैकुमा जो जो प्रॉब्लम्स uh, डिसऑर्डर्स या डिसीजेज आपके सिलेबस में है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं इस पर भी दो नंबर में देखा गया है कि कई बार प्रश्न पूछा गया तो उसी का एक एग्जाम्पल है और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए वाई एट्रोपिन इज कंट्राडिक्टेड इन ग्लाइकोमा एट्रोपिन या इससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो ग्लाइकोमा में नहीं दी जाती और क्यों नहीं दी जाती इसका आपको यहाँ पर कारण लिखना है और इस तरीके का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है नेक्स्ट इज इनलिस द ड्रग्स यूज इन मेस्टेनिया ग्रेविस ये भी कई बार पूछा गया है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए है अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की यानी कि जो सेवन और टेन मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पहला हमारा डिस्क्राइब न्यूरोमल ट्रांसमिशन इन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में न्यूरोमल जो ट्रांसमिशन है उसको डिस्क्राइब करना है ये दस नंबर में या सात नंबर में दोनों में पूछा जा सकता और काफ़ी है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं अगला हमारा प्रश्न क्लासिफाई सिंपैथोमायमेटिक ड्रग्स गिव फोमोकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ एडलिन ये प्रश्न तो जैसे इस यूनिट से आना ही आना है ये बहुत बार पूछा गया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेम लाइन से पूछा गया है नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक्स डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज ऑफ एट्रोपिन ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यूनिट में ये जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं जो सिम्पैथोमामेटिक एजेंट्स हैं यह सब काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन न्यूरोन्योमल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरोन्स यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से पूछा गया ऑटोनॉमिक न्यूरोन्स में तो आंसर आपको एक ही जैसा करना है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये भी सेम क्वेश्चन ही है दूसरे तरीके से बस खाली पूछा गया है अगला हमारा डिस्कस डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एस्टाइलकोलीन इन डिटेल स्टाइलकोलिन के ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से तैयार करें क्लासीफाई सिंपेथोलाइटिक्स डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एडेन एडेलिलिन की फॉर्माकोलॉजी देखिए फिर से पूछ लिया है यहाँ पर और ये सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स के बारे में पूछा है दूसरे तरीके से पूछ रहा है इसी क्वेश्चन को तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है नेक्स्ट इज एलोबरेट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यहाँ पर आप देख रहे थे कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में केवल नाम लिखना है यहाँ पे एलोबरेट करना है तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो कई बार पूछे जाते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर फोर की तरफ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो मार्क्स में पूछे जाते हैं तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है व्हाट आर प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में नाम के साथ देते हुए उनका एग्जाम्पल देते हुए आपको पूछा गया है और ये कई बार पूछा गया है नेक्स्ट इज गिव गिव ड्रग इंट्रैक्शन बिटवीन माओ इनिबिटर्स एंड सिंपैथो मैमेटिक ड्रग्स तो ये एक दो बार पूछा गया प्रश्न है और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस यूनिट से क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना है नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट माओ ए एंड माओ बी इनिबिटर्स विद एग्जाम्पल्स ये दो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे नेक्स्ट यूनिट फोर का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स लोकल एनेस्थेटिक्स पे प्रश्न अलग से पूछता है जनरल एनेस्थेटिक्स में अलग पूछता है दोनों के बीच में कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन का प्रश्न पूछता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ जनरल जनरल जनरलिसिया क्या है और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जनरल जनरलिया के दौरान ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओवियस प्रश्न इस यूनिवर्सिटी से सॉरी इस यूनिट से और बहुत पूछा गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट इज मैंशन द यूजेज ऑफ डायसेल्फेराम डायसेलफेराम के यूजेस कई बार पूछे गए हैं और नेक्स्ट इज वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी ये क्यों जरूरी है प्री एनेस्थेटिक ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड प्रश्न है और कई बार पूछा गया इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अगला हमारा राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गा ब्रटीन जो है वो इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसका मैक्सम ऑफ एक्शन कई बार पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर फोर इसमें सबसे पहला प्रश्न है राइट और नोट ऑन न्यूरोनमल ट्रांसमिशन इन सी एन एस जैसे एएनएस में पूछा रहा है वैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूछ रहा है और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे नेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंटीपलेप्टिक्स गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ इनेटोइन जो एंटी से इन पर प्रश्न लगभग हर साल ही पूछा जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है मैंने देखा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया डिस्कस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन ये दो नंबर में सात नंबर में भी पूछा जाता है और इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर आपको लिखना है और ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नेक्स्ट इज क्लासिफाई पेरीफेडली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलेक्सेंट राइट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेन ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है खास करके जो पेरीफेरिल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलेक्शन के ऊपर है तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे नेक्स्ट इज क्लासिफाइडेटिव राइट डाउन द डिफ्रेंसिस बिटवीन बेंजो डायजेपींस एंड बारबिचरेट्स तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है या इनके जो क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स हैं या सेडेटिव सिडेटिव हेप्नोटिक्स के ऊपर जो ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन उनकी डेफिनीशन इन दोनों के बीच में जो, जो क्या नाम है अंतर है वो सब जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर फाइव की इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि टू मार्क्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसमें सबसे पहला प्रश्न है वॉट आरूजिनोजेंस hallucin, uh, गिव टू एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने हैं और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एक्स एब्यूज डिफाइन ड्रग एब्यूज गिव एग्जाम्पल्स ड्रग एब्यूज के ऊपर बहुत बार अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया इसको आप अच्छे से तैयार करें अगला हमारा डिफ्रेंसिएट बिटवीन पार्शल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट एक्सप्लेन विद एक्जाम्पल ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार पूछा गया प्रश्न है अगला हमारा क्लासीफाई ड्रग्स फॉर एल्जाइमर डिसीज एल्जाइमर डिसीज और क्या है और उससे रिलेटेड ड्रग्स कौन कौन सी उनका क्लासीफिकेशन कैसे करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कंपेयर बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशंस ये भी कई बार पूछा गया है खास करके ड्रग एडिक्शन के ऊपर लक्षित प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से तैयार करें अगला हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग डिपेंडेंस ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न और एग्जाम्पल के साथ पूछा गया है नेक्स्ट इज व्हाट आर ओपीआईड एनर्जि गिव एग्जाम्पल ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंसिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस एक्वायर्ड टॉलरेंस और नेचुरल टॉलरेंस क्या है उसके बीच में डिफरेंस या इन दोनों के ऊपर किसी एक के ऊपर एग्जाम्पल के साथ भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बच जाता है आगे बढ़ते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की यूनिट नंबर फाइव के साथ जो कि सात और दस नंबर में पूछे जाते हैं इसमें जो सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है हमारा पार्किसोनियन की ड्रग्स यानी क्लासीफाई एंटी पार्किसन ड्रग्स गिव मैकिंग ऑफ एक्शन फॉर्मोकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंड यूजेज ऑफ लीवर डोपा ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जैसे फिर से देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी मैं पूछ रहा हूँ जो कि ये क्योंकि ये इस तरीके एक ही प्रश्न है लेकिन इसको कई तरीके से पूछते हैं जैसे राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्कसोनियन ड्रग्स वाई एंटीकोलोनोजिक्स आर यूज टू मैनेजमेंट ऑफ पार्किसोनियन डिसीज तो इस तरीके से ये जो प्रश्न बनते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट इज डिस्कस मैकन ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ बेंजोडाइजापीन्स एंड बार्बिचुलेट्स ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है अगला हमारा क्लासिफाई ओपियायड एनालिटिक्स डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मार्फिन मॉर्फिन मॉर्फिन की फार्माकोलॉजी बहुत बार पूछी गई है और ओपियाड एनालिटिक्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इस यूनिट से बनता है अगला हमारा राइट और शॉर्ट नोट ऑन न्यू ट्रॉपिक्स न्यू पर भी काफ़ी कई बार प्रश्न पूछा गया इस, इसकी टर्मिनोलॉजी पर प्रश्न पूछा गया नेक्स्ट इज राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी एजेंट्स इन दोनों में कोई एक जनरली एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला हमारा डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरपोराम इन डिटेल क्लोपोलोमजिन की जो फार्माकोलॉजी है वो बहुत बार पूछी गई है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर करके एग्जाम में जाएंगे तो ध्यान रखें कि जो भी ड्रग के क्लासीफिकेशन है खास करके जिस किसी पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर के आपके सिलेबस में तो उसको आप जरूर देख लीजिए विथ एग्जाम्पल्स क्योंकि उस पर दो नंबर में सात नंबर में और दस नंबर में भी प्रश्न पूछे गए हैं फार्माकोलॉजी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जैसे एड्रीनिलिन है हमारा क्लोरपोमजीन है या फिर लिवोडोपा है इस तरीके से एस्टाइकोलिन है इनकी फार्माकोलॉजी बहुत पूछी जाती है पेपर में हर बार पूछी जा रही है लगभग तो इनको आप जो है ज़रूर देखें लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स पर तो वो आप जरूर देखें तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको जरूर अच्छे तरीके से देख करके एग्जाम में जाना चाहिए आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा और इसमें जो भी प्रश्न हम कि प्रश्न प्रश्न ही दिए हैं कुछ, कुछ कि हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर अच्छे तरीके से दीजिए आपका काम आसान किया है पिछले पाँच साल के पेपर्स से क्वेश्चन निकाल करके आपके सामने रख दिए अब बस खाली आपको इनके आंसर्स देखने दो नंबर वाले तो देखने में आपको दो घंटा लगेगा सारे यूनिट्स के आप आंसर आराम से खोज करके एक जगह पर नोट डाउन भी कर सकते हैं देख करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दीजिए जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उनके तो जरूर देखिए और साथ ही साथ बाकी को भी एक बार अच्छे से देख करके तब एग्जाम देने जाइए आपके पेपर्स अच्छे होंगे इसका जो पीडीएफ लिंक है वो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद